वेलकम बैक। पाइल नंबर वन हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर जिन्होंने डायरेक्ट मेरी इस रीडिंग पे आ रहे हैं तो जाइए, इससे पहले इसका पाइल नंबर वन का पार्ट है वहाँ जाके सेलेक्ट कीजिए। ये पाइल नंबर सेकंड की बिगेस्ट रीडिंग है, आप लोग सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आइए और देखिए इस पाइल को। पाइल नंबर टू जिन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, हम देखते हैं कि क्योंकि क्या नंबर पर हम कार्ड देखते हैं। उससे पहले हम अल्फाबेट देख लेते हैं, ठीक है। ई है, जी है उनके अल्फाबेट, ठीक है। के है, आर सी जी एन बी के क्यू एस एफ यू जी डी V R N, ठीक है। किसी का डबल के भी हो सकता है, आपको दिख गए होंगे अल्फाबेट, ठीक है। पाइल नंबर टू वालों के लिए अल्फाबेट रेंज में से हैं आपके पाइल नंबर टू। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं टूवर्ड्स यू। फाइव कार्ड्स प्लस बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ठीक है। मैसेजेस एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। नाइस, पायल वन की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, पायल टू की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है पायल नंबर वन से। और ये क्यों आया, चलो बॉटम ऑफ द वन मोर कार्ड। ओके, ओ हाय प्रिंसेस, ठीक है। भूख लग रही है मुझे कुछ तो हंगरी हैं लोग, बहुत हंगरी हैं कुछ लोग मोहब्बत के, लव के, फेम के और खाने के भी, ठीक है। ये कंप्लीट होना चाहते हैं, कुछ एनर्जीज आप में, कुछ एनर्जीज उनमें हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बैलेंस असेंडेंस नज़र आ रहे हैं, बैलेंस की एनर्जी है। अगर डोमिनेटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी आपके पार्टनर की, अगर फेमिनिन डोमिनेंट एनर्जीज थी तो बैलेंस की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, इनका मैसेज यह है कि पीसफुल रेजोल्यूशंस की तरफ जाना चाहते हैं, इन्हीं भी अपने ड्रीम्स यहाँ शेयर करना चाहते हैं, कुछ साइन करना चाहते हैं। इन्हें साइंस मिल रहे हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है आपके आपके पार्टनर की बहुत, ठीक है। जो ये देख रही हैं हो जा रहा है सच, ठीक है। तो ड्रीम चैनलिंग बहुत ज़्यादा, मे बी आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर लिए चाहते ना चाहते, कोई ना कोई डिवाइन पावर्स इनको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को और आपको। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पार्टनर्स को पास्ट लाइफ नज़र आ रही है, जो पास्ट लाइफ जो उनको नज़र आ रही है ना, इनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको दूर करके या किसी इल्यूजन को लेके, थर्ड पार्टी को लेके कोई काम में डिसरिस्पेक्ट किया हो, हमेशा आपको साइको वाला बात करती हो तुम, या ऐसी बात करती हो तो मुझे हर्ट करती हो, तो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती हो, यानी सब जो हर्ट करने वाली बात हो सकती है, हम एक साथ नहीं रह सकते। पास्ट में आपको इन्होंने बहुत हार्ड वर्ड्स बोले, ठीक है ना, एक पागल ज़्यादा बोला है, ठीक है। आप इनको लग रहा है कि इनके साथ हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज आपने इनको पहले इंडिकेट कर दिया था कि देखिए आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको पागल बोल रहे थे, बट अब जब ये हो रहा है तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट है, प्यार है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप जो कहते थे ना हो जाता, तो कार्मा बेसिकली फेस कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वैसी कर ली हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर कि आगे जाके इनके साथ क्या होगा। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके जो कामिक्स हैं ना, इनकी रिलेटिव इनकी रियलिटी आ रही है इनके सामने, कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये दूर को सोच रहे हैं, ठीक है। जो उनको चीज़ें ऐसी लगती थी ना कि नहीं नहीं मेरे साथ तो हो नहीं सकती, वो चीज़ हो रही है उनके साथ, यानी अगर कहूँ जादू टोना, इनको बिलीव हो रहा है कि यार मे बी हो सकता है ये मेरे साथ कुछ हो, क्योंकि हर चीज़ होते होते रुक जाती है इनकी भी आपकी तरह, ठीक है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं बिकॉज इनको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप भी को भी गाइडेंस नहीं मिली। तो अगर पाइल नंबर टू वाली मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्राइवेट रीड्स ले सकते हैं, बिकॉज आपको जो डिसीजन है ना, और आपका जो लास्ट डिसीजन होगा वो प्राइवेट में ही दिखवाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग देखेंगे, तो रेमेडीज़ वगैरह से इस चीज़ों जो स्टकनेस है ना वो दूर हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी रेमेडी होती है, तो यहाँ पर तो कुछ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। बहरहाल मोहब्बत बहुत ज़्यादा है पहल नंबर टू वालों की, और आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है कि आपके पार्टनर आपको प्रस्यू करें, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें, करें, इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि एक से डेढ़ साल मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत रोया है, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहा है तो एक से डेढ़ महीना, डिपेंड करता है ना कि क्या किसका रिलेशन का टाइम है, लेकिन आपके पर्सन का टाइम भी ना हम चाहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे एक्सपीरियंस को ज़्यादा पेशेंसली सुनना चाहते हैं कि आप प्रेडिक्ट करते हैं उनको, बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा सात नंबर वाले हैं, या भी आपको आपके घर के नंबर में, फ़ोन नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, मंथ ऑफ बर्थ में, या ईयर ऑफ बर्थ में सेवन बहुत आता है, क्योंकि आप लोग मुंगलांग कहलाएंगे, मुंगलांग वाले होते हैं जो काली जबान होते हैं, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं जो होता है कहते हैं हो जाता है। अगर सेवन वन नंबर वाले हो तो ज़रूर मुझे बताना, या जैसे अगर 16 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या कुछ भी प्लस करके 6-7 बन जाता है, ठीक है ना। तो कुछ लोग पार्टनर के मैसेज आपके दूर के आपको बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है, कि आपको सही रास्ता आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप उनको नहीं समझ पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है लास्ट मैसेज जो था, ये चाहते हैं आप लोग को डेट पर ले जाना, लवर्स जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये आपकी डबल इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ना, आप लोग यकीनन आपको इस मैसेज रीडिंग से ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी। अब हम लास्ट मैसेज देखते हैं लव रिवील का, कि क्या मैसेज आया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यू लव गर्लफ्रेंड, योर पार्टनर्स, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा हर्डल्स, आप या वो, मे बी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो या वर्क हो, कोई ऐसा इशू है जो बहुत ही बेनिफिट आपको अब आगे फ्यूचर में देगा, लेकिन आप लोग अपने पेरेंट्स को लेके, मे बी उनके पेरेंट नहीं मांग रहे, मान रहे, और आपके पेरेंट नहीं मांग रहे, आप लोग चाहते हैं उनकी हीलिंग करवा लीजिए, या अपनी फैमिली इश्यूज़ की हीलिंग्स ले लें ताकि बेहतर हो जाए आपके मामला, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं। एज आई सेड यू के आपके पार्टनर सुनते नहीं थे, आपकी बात मानते नहीं थे, लेकिन अब वो आपकी बात मानेंगे, बिकॉज आप जो कहते हैं वो हो जाता है। पहले नंबर टू वालों, कैसी रही रीड बताना, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीड, ज़रूर लिखिएगा, मुझे डॉ में याद रखिएगा, और कैसे हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी सिटीज़ मैंशन ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।